हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका प्यारे मित्र सी के यादव। आप देख रहे हैं लॉ बीम्स और आज हम पढ़ने वाले हैं अ टाइगर इन द जू का सेंट्रल आइडिया, जो लिखा गया बाय लिसल्स नॉरिस के द्वारा। इस चैप्टर में हम लोग दो प्रकार के बाघों के बारे में पढ़ते थे। दो प्रकार के बाघों के बारे में पढ़े होंगे समरी में, जिसमें बताया गया होगा कि जो एक बाघ है वह आपका जंगल का बाघ है और एक बाघ जो है वह चिड़ियाघर का बाघ है। चिड़ियाघर के बाघ की पूरी स्ट्रेंथ कहाँ है बेटा? उसके सलाखों के पीछे। और जबकि जंगल का बाघ का पूरी स्ट्रेंथ उसके जंगल है, उसके जंगल के आसपास के जो एज ऑफ जो एट द एज ऑफ हाउसेज हैं वो है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं अब आज का अगला चैप्टर्स अ टाइगर इन द जू। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम ही कंपेयर्स द लाइफ ऑफ टाइगर्स इन द जू। क्या कहा गया कि इस कविता की जो सेंट्रल आइडिया बेटा, इसमें कवि कंपेयर करता है एक बाघ के बारे में जो जंगल में है। इट्स लाइफ इज इट्स नेचुरल हैबिट्स। इसका जो जीवन है वो प्राकृतिक रूप से थोड़ा सा अलग है या प्राकृतिक रूप से बनाया गया है। द पोयम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल्स। यह कविता जंगल से चिड़ियाघर से जंगल की तरफ आगे बढ़ती है एंड बैक अगेन टू जू और फिर से जंगल की तरफ वापस चली आती है। द पोइट कॉन्विंस एन इम्पॉर्टेंट मैसेज। इस तरीके से पोइट जो कवि है वह हमें एक महत्वपूर्ण सूचना देता है, महत्वपूर्ण मैसेज देता है दैट द वाइल्ड एनिमल जो हमारे जंगली जंतु हैं शुड बी दियर्स नेचुरल हैबिट्स, उन्हें हमें प्रकृति में छोड़ देना चाहिए। द पोयम अ टाइगर इन द जू बाई लिसल नॉरिस, जो यह पार्ट है हमारा अ टाइगर इन द जू लिसल नॉरिस के द्वारा लिखा। इन दिस पोयम द पोइट ट्राइज टू रिस्पेक्ट द मेटेरियल्स कंडीशन ऑफ द केज टाइगर्स। अर्थात इसमें कवि ने प्रयास किया है डिस्पाइट द मेंटल कंडीशन, एक मानसिक स्थिति के बारे में ऑफ द केज टाइगर, एक चार दीवारी के अंदर के बाघ के बारे में जो केज में गुफा के अंदर है। ही कंपेयर द लाइफ ऑफ द टाइगर्स इन द जू। वह उस गुफा के टाइगर से और उस जू के टाइगर से क्या करता है बेटा, कंपेयर करता है, तुलना करता है विथ इट्स लाइफ एंड इट्स नेचुरल हैबिट्स, उसके जीवन और उसके रहन सहन से। द पोइट कॉन्विंस एन इम्पॉर्टेंट मैसेज। इस तरीके से कवि हमें एक मैसेज देता है दैट द वाइल्ड एनिमल शुड बी दियर नेचुरल हैबिट्स, कि हमें जंगली जानवरों को उन्हें जंगली परिवेश में छोड़ देना चाहिए। सी शुड बी इन द नेचुरल हैबिट्स, नेचुरल हैबिट में। इन द पोयम, इस कविता में ही लेखक हाइटेंस द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फ्रीडम एंड द कैप्टिविटी। अर्थात लेखक उसे फ्रीडम के बारे में बात करता है और उसकी शक्ति के बारे में बात करता है। ही वेरी इम्प्रेसिवली सोच। इसमें वह कवि बड़ी ही मानसिकता रूप से दिखाता है कि हाउ लव्स फॉर फ्रीडम, कि सभी को अपना स्वतंत्रता किस तरीके से प्रेम है, इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट्स ऑफ द एवरी लिविंग बींग्स, इस धरती पर पैदा हुए सभी चीज़ों को लेकर के। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको टाइगर इन द जू समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया वीडियो के ऊपर पुश करके फिर से देख लीजिए। मैं आपका प्यारा दोस्त सी के यादव आप सबके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर आता रहूँगा। आज हमने पढ़ा अ टाइगर इन द जू। मेरा चैनल लॉ बीम्स है। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्द से जल्द लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आपका प्यारे मित्र सी के यादव।